आप बोले खुश किस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या बहन गाली मैं तो यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। सही बात बताऊँ तो कहाँ जाना है, कोई मुल्क आपको रखने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क में तो अब पासपोर्ट भी बनना बंद हो गया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना ओथे वापस चले जाओ। बलूचिस्तान के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, ये यहाँ तक नहीं सोचते कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ये नहीं मानते ये लोग। तो फिर हमारे हक के बारे में ये लोग क्या आवाज़ उठाएंगे? तो जज्बा जहाद वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, आज तक ये जहाद को समझ ही नहीं सके जहाद क्या होता है। कहीं पर भी जाकर फट जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जहाद नहीं है। इंडियन लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना वो हमसे बहुत अच्छा है, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया, ठीक है। अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे और दुनिया में अमन फैलाया जाए। हम मुसलमान हैं तो मुस्लिम का मतलब है कि अमन फैलाने वाला। वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को इंडिया को गलत ही समझते रहे। किसान बहुत पसमानदा इलाका है, बहुत पसमानदा इलाका है। यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो हक की बात करे, जो हमारा हक दिला सके। हम दरख्वास्त करते हैं कि कोई ऐसी हमारे बारे में आप लोग ज़रूर सोचिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसे पाकिस्तानियों को सुनने वाले जो खुलेआम मीडिया के अंदर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाने की जो गलती की है पाकिस्तानियों ने वो बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है हमारे लिए और हमको जो है ना वापस भारत के साथ मिल जाना चाहिए या हमको जो है ना किसी भी तरीके से भारत में जाने का मौका मिले तो वो भारत में आ जाएंगे। तो इसी के ऊपर हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, अभी हम ये कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन सऊदीया जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, UAE जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, US हो गया, UK हो गया, इस तरह के कंट्रीज, वजह क्या समझते हैं? उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं या कुछ लोग जो पाकिस्तान में कहते हैं जी मार्केट बड़ी है, बस मार्केट बड़ी है इसलिए वो लोग उनका साथ। वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी ज़िंदगी बस भारत को इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, गलत था है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की है, हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग फ्री लॉन्सिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत इंडिया मुताले पाकिस्तान आपको यू नो बेटर के इन चीज़ों से भरी हुई है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बींग पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कड़ में लगा दिया जाएगा। ठीक है, वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो हमें नुक्कड़ में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे USA है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और US काम अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया US की बात मानता होगा या जो इस तरीके से कोई कंडीशन हो? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि US के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी सब कुछ, ठीक है। और आपने जो बात की है, आपने ये बात की कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान इस तरह की किसी कंडीशन में होता तो पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाता, ये कर दिया जाता, ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता इकॉनमी पे मैटर करती हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैटर करती हैं? आप मतलब देखें, अच्छा बताएं भी, हमें बताएं कि मुकाबला करना है, मैं खुद मुकाबला करूंगा भारत का, लेकिन ये बताएं टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, ये बताएं IT में मुकाबला करना है, ये बताएं एजुकेशन में, इकॉनमी में मुकाबला करना है। ये दौर ही नहीं है वॉर का, ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो डिजिटल वॉर
करें किसी के साथ, ठीक है, इकोनॉमी की वॉर करें, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें, डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन हम देखें, नो डाउट उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट अगर कोई भी दुनिया में बेहतरी की तरफ जा रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हमें सीखना भी चाहिए, सिर्फ तारीफ करके घर नहीं चले जाना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया बेहतर कर रहा है, चलो ठीक है खुद सोचो जाके, हमें भी तो कुछ करना है, हमें भी तो सीखना है कि यार अगर आज उनके रिलेशन देखें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो उनसे हैं उनके उनके प्रेशर में आए हुए हैं। हमारी उतनी इकोनॉमी नहीं है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी हमसे बेहतर है, वो बढ़ रही है, इसलिए दूसरे ममालिक US UK वो इसको आने वाले वक्तों में एक तरक्की याफ्ता मुल्क देख रहे हैं, ठीक है, हमारी कोई इतनी तरक्की नहीं है और ना ही वो आने वाले हालात में देख रहे हैं। अच्छा, फिर उम्मीद किस पे रहेगी? उम्मीद बस यही है कि अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, बाकी ये जो बंदर फिर रहे हैं ना, इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा, मैं चाहता हूँ यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, अगर तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आप बहुत खुशकिस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं कहा गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना के मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए क्यों? अच्छा, तुम आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हैं? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया, मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ, फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट वहाँ से आए हम, वो बड़ा जबरदस्त है वहाँ पे भी, काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए। ये देखें जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी, अगर आप किसी मतलब उस तरह के लोगों से आप ओपिनियन लेंगे जो कि थोड़ा एजुकेशन को नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते, वो फिर एक ही बात करेंगे, जज्बा बहुत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले हमें ओपन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, हाँ, बढ़ रहे हैं बेहतरी की तरफ, इन शाह ताला वो दिन करीब है, हाँ, कि जब ये मुश्किलें टलने वाली हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी यही चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त टले, जल्द से जल्द खत्म हो और अच्छे दिन आए, लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आप कितना मतलब 5 साल 2 साल कितने टाइम में हमें अच्छी खबरें आने लगेंगी आपके ख्याल? मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर ठीक है, 1 साल के अंदर हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, जैसे इस टाइम पे भारत के साथ दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज खड़े हैं, हम भी अगर अपनी पॉलिसीज को फॉरेन पॉलिसीज को बेहतर करेंगे, अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, तो मुश्किल वक्त हो या आसान वक्त हो हमें हमारे साथ बहुत से लोग बहुत से कंट्रीज खड़े नजर आएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने जो है ना पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है और जिस प्रकार का आपने वीडियो के अंदर रिएक्शन देखा है, यहाँ पर बात की जा रही थी भारत को लेकर और पाकिस्तान के हालात को लेकर, और जब भी अगर किसी देश की पब्लिक इस प्रकार की बातें करती हैं तो वो सारी बातें जो है ना निराशा में की गई बहुरी बातें होती हैं, और जैसा कि हम सबको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर हालात किस प्रकार के हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है, इन्फ्लेशन रेट कितनी है, और जैसा कि वो पब्लिक खुद इस वीडियो में बता रही हैं कि अगर वो ग्रेजुएट करते हैं उसके बाद भी अगर उनको 10-12 हज़ार की नौकरी मिलती है तो फिर उससे जो है ना घर चलाना तो संभव नहीं है, तो जब इस प्रकार की बातें होती है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश के हालात किस प्रकार के होंगे, और यही कारण है कि आज पाकिस्तान की पब्लिक ये खुद कह रही है कि पाकिस्तान को भारत से तोड़कर अलग देश बनाना बहुत बड़ी गलती थी, और अगर उनको भविष्य में कभी मौका मिलता है भारत के साथ जुड़ने का तो वो एक तरीके से जिस प्रकार से वो बातें कर रहे तो वो तैयार हैं फिर से भारत में आने के लिए। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।